जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अनमर नाहो बात कर रहा हूँ। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। देखें जी, अक्सर दोस्त सब पर्सनल में या ग्रुप में कहते हैं कि जी खामोशी हो गई है, तो खामोशी तो खैर नहीं हुई। अभी आप देख रहे हैं कि चीज़ें जो चल रही हैं, बाकी जो आपको पता है कानूनी मामलात होते हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है और स्लो स्लो वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो सारे जारी हैं और जितने भी दोस्त लगे हुए हैं किसी को नहीं रोका। ठीक है, वो जिसके खिलाफ उसका दिल करता है, जैसे उसका दिल करता है वो एप्लीकेशन दे, जो जो प्लेटफॉर्म वो इस्तेमाल कर सकता है करें। ना उसको पहले कभी रोका, ना अब रोकेंगे। इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करेंगे जितना हो सका। ठीक है, वो आपने करना है और वो कुछ लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, खाली बातें नहीं करनी, आपने अमली काम करना है। दूसरा बात ये कि राजा साहब ने एक बात की थी कि हमारा रابطہ हो गया दोनों भाइयों का आपस में, और भाई ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि फलां डेट तक या फलां टाइम तक जो है ना, हम विड्रॉल जारी कर देंगे। तो जैसे हमारे पास ये बात आई, हमें बताया गया, तो हमने कहा जी इससे अच्छी बात नहीं है, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि अगर फैमिली को विड्रॉल मिल जाते हैं, उनका रिफंड मिल जाता है, तो हम ज़रा पिछड़ जाते हैं। आप दें, हम हाजिर हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। तो हम तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कैशत फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो इसी दौरान कई लोगों ने ग्रुपों के अंदर कहा कि जी आप ये कानूनी काम रवाई कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, तो आप मामलात को ख़राब कर रहे हैं। वो मैसेज भी आपने सुने होंगे ग्रुपों के अंदर। तो हमने कहा ठीक है, हम नहीं करते, हम ज़रा पीछे हट जाते हैं। अब जो ये कह रहे हैं कि हम इतने दिन तक कर देंगे, विड्रॉल इशू कर देंगे, तो हम तो उस दिन का वेट कर रहे हैं ना। अब उन दोस्तों की भी बात हमने मानी है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर विड्रॉल जारी कर देते हैं, तो हम थोड़ी सी खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अभी ग्रुपों के अंदर आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि ये पता नहीं बड़े लीडर किधर गए, टॉप के लीडर किधर गए। तो ना मैं बड़ा लीडर हूँ, ना टॉप का लीडर हूँ, ना मेरी टीम में का कोई बंदा इन ग्रुपों में होगा। ठीक है ना, कोई आपको अगर 400 बंदों का ग्रुप है तो इसमें एक आधा मेरी टीम का बंदा होगा, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त होते हैं वो मेरे पर्सनली होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो वो कभी ग्रुपों के अंदर आके शोर शार नहीं मचाते होते, क्योंकि वो मेरे पर्सनली दोस्त हैं और उनको मैं ख़ुद से अकोमोडेट करता हूँ, या हम किसी और बिज़नेस में अकोमोडेट उनको कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये रही कि अब उनके वादों की, तो वादे आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं वो, तो उनके वादों की, उनकी कोशिश को देखना चाहिए आखिर कब तक। अगर 4 दिन का कहा था नहीं हुआ, तो 5 दिन और ले लेंगे, 10 दिन और ले लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा मंथ तो नहीं गुजार सकते ना, या अगला मंथ तो नहीं गुजारेंगे ना, तो एक ना एक दिन तो देना पड़ेगा। तो टाइम इंगेज जो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके ऊपर वर्किंग हो रही हो, कोई आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाए। जब राजा साहब बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और इंशाल्लाह मिलेगी, तो हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ इतना वेट किया, 2-4 दिन और देख लें। बाकी जो नहीं वेट करना चाहते, जो नहीं देखना चाहते, भाई उनके जो दिल करता है वो करें। ठीक है ना, तो किसी को ब्लेम ना करें, आपका जो दिल करता है आप करें, जिसने वेट करना है वो करे, जिसने नहीं करना वो ना करें। ठीक है, किसी लीडर की तरफ ना देखें, अपना स्टेप आप खुद उठाएं। ठीक है, और बाकी देखते हैं राज साहब 2-4 दिन तक क्या खुशखबरी देते हैं। अगर विड्रॉल मिलते हैं तो हम उनके साथ हैं, सिस्टम के साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।